प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेसहारा पशुओं की समस्या और उनके उचित समाधान को लेकर अब बिलासपुर से समाजसेवी सुनील शर्मा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सरकारों सहित वर्तमान जयराम सरकार से गुहार लगा चुके सुनील शर्मा ने पिछले सप्ताह टैगिंग अभियान के जरिए बेसहारा पशुओं की मांग सरकार तक पहुँचाने का काम किया था, जिसके बाद अब सुनील शर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इन बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था को लेकर बिलासपुर का एक समाज सेवी लगातार प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करता आया है, मगर आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम ना उठाए जाने के चलते ये समाज सेवी अब भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बिलासपुर के कोसरिया निवासी सुनील शर्मा लंबे अरसे से गौवंश की सेवा से जुड़े हैं और सड़कों पर घायल होने वाले बेसहारा पशुओं का इलाज करते रहते हैं। सुनील शर्मा द्वारा जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के सामने कई बार गौवंश की उचित व्यवस्था की गुहार लगाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। अब उन्होंने टैगिंग अभियान छेड़कर बेसहारा पशुओं के सींगों पर स्लोगन पट्टी लगाई। गौवंश की स्थायी व्यवस्था के मुद्दे पर अब सुनील शर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश सरकार गौवंश को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाती है। हिमाचल प्रदेश में लावारिस गौवंश की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, वो पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जो है वो प्रदर्शित कर रही है कि वो असफल रहे हैं। हमने लगभग 12 से 14 वर्ष से हम लगातार हिमाचल सरकार जो भी सरकारें रही उनके पास अपनी मांगे उठाते रहे और ज्ञापनों के माध्यम से उनको बार बार बताते रहे और अधिकारियों के द्वारा बार बार आश्वासन दिए गए, सरकारों के द्वारा भी बार बार आश्वासन दिए गए इनको आपातकालिक सुविधा दी जाए और गौवन का विषय हमने हिमाचल सरकार के आगे रखा, उसके ऊपर भी उन्होंने कोरे आश्वासन दिए और मैंने अब स्लोगन का अभियान एक चलाया कि इनके मरम को, इनके दुख को जो लगातार ये आवाज़ अपनी सड़कों के किनारे चक्का जाम करके बीच में रोड के बीच में खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और किसानों की फसलों को उजाड़ कर भी अपने भूख का प्रदर्शन जो है सरकार के आगे बार बार करते रहते हैं। उस समय एक हफ्ता पहले मैंने चुनौती दी थी उनको और मैंने कहा था कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मेरी बात को आप लाइटली ना लें। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तब हमें मजबूरी में भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जो है गौवंश की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है। हिमाचल सरकार कोई लिखित तौर पर इसकी सुनिश्चित कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं करती है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।